Today we will discuss one example which is basically a non-homogeneous differential equation and is given as y double derivative minus 4y equal to e raised to power 2x over x. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इस नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन को कैसे फाइंड किया जाए. बेसिकली नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन निकालने के टू मेथड्स हैं, अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड एंड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड. इन दोनों मेथड्स को मैं आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ. इनकी वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से देख सकते हैं. हम नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में फंक्शन को देखते हुए मेथड को सिलेक्ट करते हैं. सो इस नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड को डिस्कस यूज़ करेंगे. सो लेट्स सॉल्व दिस एग्जांपल. अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें. शुक्रिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद इंजीनियर रायशा. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर से होंगे. आज हम नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड. इसके सोल्यूशन निकालने के लिए हमें कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालने होंगे और पार्टिकुलर सोल्यूशन. तो स्टेप वन है कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन. कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालने के लिए गिवन नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये होमोजेनियस है. सो वाई डबल डेरिवेटिव माइनस फोर वाई विल बी इक्वल टू जीरो. y को रिप्लेस कर देंगे d के साथ, तो डी स्केयर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो. इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, डी स्केयर इज इक्वल टू फोर एंड डी इज इक्वल टू प्लस टू माइनस टू. ये हमारे रूट्स हैं. तो हमारा कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन क्या होगा? y ऑफ c विल बी इक्वल टू सी वन ई रेस टू पावर टू एक्स प्लस सी टू ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स. अब यहाँ पर y1 जो है वो है ई रेस टू पावर टू एक्स और y2 जो है वो है ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स. देन पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए बाय यूजिंग द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड, जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में कांस्टेंट है उनको हम रिप्लेस कर देते हैं फंक्शंस के साथ. जो हमारे कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में कांस्टेंट c1 एंड c2, उसको रिप्लेस कर देंगे u1 एंड u2 के साथ. तो हमारा पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या हो जाएगा? y ऑफ p विल बी इक्वल टू u1 y1 प्लस u2 y2. अब u1 को कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ पर u1 को फाइंड करने के लिए है इंटीग्रेशन u1 का डेरिवेटिव d ऑफ x. u1 का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? u1 का डेरिवेटिव बेसिकली इक्वल होगा w1 ओवर w. रॉन्गसन मेथड को यूज़ करते हैं हम इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए. रॉन्गसन मेथड क्या है? बेसिकली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, जिसमें हम फर्स्ट रो में फंक्शंस को लिखते हैं और सेकंड रो में उनके डेरिवेटिव्स को लिखते हैं. देन w हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग द रॉन्गसन मेथड. w विल बी इक्वल टू वन वाई वन वाई वन टू. हम फर्स्ट रो में फंक्शंस को लिखेंगे, सेकंड रो में उनके डेरिवेटिव को लिखेंगे. y1 एंड y2 हमें मालूम है. तो y1 है e रेस्ट टू पावर 2x एंड y2 e रेस्ट टू पावर माइनस 2x. इनका डेरिवेटिव लेंगे और इन्हें सेकंड रो में लिख देंगे. e रेस्ट टू पावर 2x का डेरिवेटिव आ गया 2 e रेस्ट टू पावर माइनस 2x एंड e रेस्ट टू पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव आ गया माइनस 2 e रेस्ट टू पावर माइनस 2x. इनके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और इसे फर्दर सॉल्व करेंगे. देन इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आया माइनस टू ई रेस्ट पावर माइनस टू एक्स इंटू ई रेस्ट पावर टू एक्स माइनस टू ई रेस्ट पावर टू एक्स इंटू ई रेस्ट पावर माइनस टू एक्स. प्लस टू एक्स एंड माइनस टू एक्स जो पावर्स में है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो माइनस टू एंड माइनस टू इज इक्वल टू माइनस फोर हमारा रिमेनिंग रह जाएगा. सिमिलरली हम w1 फाइंड आउट करेंगे. w1 फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट कॉलम को हम फंक्शन के साथ रिप्लेस कर देते हैं, सेकंड कॉलम एज इट इज़ रहेगा. तो फर्स्ट कॉलम में हमने लिख दिया 0 f ऑफ x फंक्शन एंड सेकंड रो में y2 का डेरिवेटिव एज इट इज़ रहा. 0 एज इट इज़ रहेगा. फंक्शन क्या है? जो गिवन इक्वेशन में राइट साइड साइड पर है वो हमारा फंक्शन है e रेस्ट टू पावर 2x ओवर x. इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे. y2 भी हमें मालूम है और उसका डेरिवेटिव भी हमने निकाल लिया था. इसकी भी फर्दर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. देन 0 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टू एक्स इंटू ई रेस्ट पावर टू एक्स ओवर एक्स. ई रेस्ट पावर माइनस टू एक्स और ई रेस्ट पावर प्लस टू एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो हमारा आंसर रहेगा माइनस वन ओवर एक्स. यू वन का डेरिवेटिव है डब्ल्यू वन ओवर डब्ल्यू. डब्ल्यू वन है माइनस वन ओवर एक्स और डब्ल्यू है माइनस फोर. तो यू वन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? वन ओवर फोर एक्स. सो u1 का डेरिवेटिव हमने निकाल लिया है. तो u1 क्या है? इंटीग्रेशन u1 का डेरिवेटिव d ऑफ x. u1 का डेरिवेटिव है 1 ओवर 4x. 1 ओवर 4 कांस्टेंट है, इसे हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख देंगे और 1 ओवर x की इंटीग्रेशन लेंगे. 1 ओवर x की इंटीग्रेशन बेसिकली होती है log ऑफ x. देन u1 विल बी इक्वल टू 1 ओवर 4 log ऑफ x. इसी तरह हम u2 निकालेंगे. u2 निकालने के लिए क्या है? u2 विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन u2 का डेरिवेटिव d ऑफ x.
यू टू का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा आप डब्ल्यू टू ओवर डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू हमें मालूम है, डब्ल्यू टू को फाइंड आउट करेंगे। डब्ल्यू टू फाइंड आउट करने के लिए हम मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम को एज इट इज रहने देंगे और जो सेकंड कॉलम है उसको फंक्शन के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो फर्स्ट कॉलम है वाई वन एंड वाई वन का डेरिवेटिव, सेकंड कॉलम है जीरो एंड फंक्शन। वाई वन हमें मालूम है और उसका डेरिवेटिव भी हमने निकाला था, सेकंड कॉलम में जीरो रहने देंगे, फंक्शन भी हमें मालूम है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देन ई रेस टू पावर टू एक्स इंटू ई रेस टू पावर टू एक्स ओवर एक्स माइनस जीरो। देन ई रेस टू पावर टू एक्स एंड ई रेस टू पावर टू एक्स दोनों पॉजिटिव हैं, तो ई रेस टू पावर प्लस का फोर एक्स ओवर एक्स, तो डब्ल्यू टू आ गया ई रेस टू पावर फोर एक्स ओवर एक्स। देन यू टू का डेरिवेटिव क्या है, डब्ल्यू टू ओवर डब्ल्यू, डब्ल्यू टू है ई रेस टू पावर फोर एक्स ओवर एक्स और डब्ल्यू क्या है माइनस फोर। देन यू टू का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस ई रेस टू पावर फोर एक्स ओवर एक्स ओवर फोर एक्स। यू टू विल भी इक्वल टू इंटीग्रेशन यू टू का डेरिवेटिव डी ऑफ एक्स, यू टू का डेरिवेटिव अभी हमने फाइंड आउट किया है माइनस फोर एक्स ओवर फोर एक्स, एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे टी के साथ, देन यू टू विल भी इक्वल टू माइनस वन ओवर फोर इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगा देंगे एक्स एक्स नॉट ई रेस टू पावर फोर टी, एक्स को टी के साथ रिप्लेस कर दिया ओवर टी डी टी, ये हमारा आ गया यू टू। अब हमने u1 भी फाइंड आउट कर लिया, u2 भी फाइंड आउट कर लिया, तो y ऑफ t है u1 y1 प्लस u2 y2। u1 हमारा है 1 ओवर 4 log ऑफ x और y1 जो है वो है e रेस्ट ओवर 2x, इसकी वैल्यू इसको पुट कर देंगे, प्लस u2 जो है वो है हमारा माइनस 1 ओवर 4 इंटीग्रेशन x x नॉट e रेस्ट ओवर 4t ओवर t dt और y2 है e रेस्ट ओवर माइनस 2x, इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हमने कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन को भी फाइंड आउट कर लिया है और पार्टिकुलर सॉल्यूशन को भी फाइंड आउट कर लिया है, हमें पता है जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो सम होता है कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन एंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन। सो वाई विल बी इक्वल टू वाई ऑफ सी प्लस वाई ऑफ टी वाई ऑफ पी, देन आवर जनरल सॉल्यूशन विल बी सी वन ई रेस्ट ओवर टू एक्स प्लस सी टू ई रेस्ट ओवर माइनस टू एक्स प्लस वन ओवर फोर लोग एक्स इंटू ई रेस्ट ओवर टू एक्स प्लस ई रेस्ट ओवर माइनस टू एक्स इंटू माइनस वन ओवर फोर इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर फोर टी ओवर टी डी टी, ये हमारा जनरल सोल्यूशन है गिवन नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।